Hey guys, welcome back to our channel Lovely Traveler. And मैं अभी जा रही हूँ अमरनाथ. मैं हूँ अभी जम्मू के भगवती नगर में, जहाँ पे यात्रा परमिट कार्ड बनता है. आईडी कार्ड बनकर मिल गया है, अब यहाँ से यात्रा शुरू होगी. अभी रात के 2 बज रहे थे एंड सारे लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं, बस का वेट कर रहे हैं. 4 बजे के लगभग बस स्टार्ट हो जाती है एंड मेरी बस भी जम्मू से निकल चुकी है. जो बस है पूरे जत्था के साथ चलता है, उसमें हजारों बस होती है, प्राइवेट गाड़ियाँ होती है एंड उसके आगे पीछे बीच में आर्मी की काफी सारी गाड़ियाँ होती है फॉर अ सेफ्टी रीजन. उन्हीं की वजह से हम लोग यात्रा सुरक्षित कर रहे हैं, तो सारे क्रेडिट ज्यादा हमारे आर्मी जवान को, हमारे इंडियन आर्मी को. थैंक्स टू आवर इंडियन आर्मी जो हमारी इतनी हेल्प करते हैं, उसकी वजह से हम मतलब इतनी अच्छे से यात्रा कर पाते हैं. सो प्लीज रिस्पेक्ट आवर इंडियन आर्मी. जय हिंद, वंदे मातरम. सो गाइस, हर जगह यहाँ पे लंगर चल रहा है, बस रोका गया अभी आधे घंटे के लिए. पहलगाम पहुंचने से पहले 2 बार बस को रोका गया था खाना खिलाने के लिए एंड यहां पे अलग अलग इंडिया के कोनों से आए हुए लंगर थे जो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी वैरायटी दे रहे हैं एंड रास्ते में आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे. हर कोई भक्ति भाव के रस में डूबा होता है, महादेव से मिलने के उत्सुक में नाच रहा होता है, गा रहा होता है. आर्मी वालों ने हमारे बस को आगे बढ़ने की इजाजत दी और हमारी बस धीरे धीरे आर्मी की सुरक्षा में आगे बढ़ने लगी. इन कश्मीर की खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए मैं खो सी गई थी. सुबह में 3:30 की लमसम बस चली थी एंड अभी 2:30 बज रहे हैं दोपहर के एंड 2:30 बजे पहलगाम पहुंच चुके हैं एंड यहीं पे है पहलगाम यात्रा कैंप. सो बेस कैंप के अंदर जाने से पहले आपको सिक्योरिटी प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा. बेस कैंप के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको टेंट बुक कर लेना है. अब बात करते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है. तो यहाँ पर बहुत सारे लंगर और भंडारे हैं. पीने के लिए यहाँ पर प्यूरिफाइड वाटर की मशीन लगी हुई है. इस भंडारे में आपको चाय, कॉफी, पोहा, बिस्किट, मिठाइयाँ, स्नैक्स, ब्रेड और मैगी, चाट, मोमो एंड अलग अलग वैरायटी के आपको खाने का डिश मिलेगा. और यह जो जगह देख रहे हो यहीं पर आपको सुबह के 3 बजे आकर लाइन में लगना है और चेक इन के बाद आगे यात्रा के लिए प्रस्थान करना है. सुबह के 3:30 हो रहे हैं और अभी निकल रही हूँ पैदल यात्रा करने के लिए, चंदनवाड़ी जाने के लिए. यहाँ इस मार्शल में बोलेरो में बैठ चुकी हूँ. पहलगाम से चंदनवाड़ी की डिस्टेंस 15 से 16 किलोमीटर की है. लगभग आपको आधा घंटा लग जाता है चंदनवाड़ी पहुंचने में. सो गाइस, चंदनवाड़ी पहुंच चुके हैं. चंदनवाड़ी में भी काफी लंबी लाइन लगी हुई है और यहां से आफ्टर चेकिंग आगे छोड़ा जाएगा. यहां से आप आगे की यात्रा जैसे पिसु टॉप, शेषनाग, पंचतरणी के लिए घोड़े खच्चर हायर कर सकते हो. बट मैं आपको बोलूंगी अगर आप सक्षम हो पैदल चलने में तो पैदल ही यात्रा करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा. सो मैंने भी पैदल यात्रा आगे के लिए स्टार्ट कर दी थी शेषनाग के लिए, जो यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है. सुबह अभी पिसु टॉप के एरिया में पहुंचने वाले हैं. पहुंचे ही हूँ अभी हाइट और जो मेन पिसु टॉप है बहुत ऊपर में है. चढ़ाई अभी से ही बहुत हार्ड लग रही है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे. पहाड़ों में किस तरह से रास्ता बना हुआ है, नीचे से लोग ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे हैं एंड ऐसे ऐसे होते हुए बिल्कुल ऊपर की ओर छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं, तो वो सब जाने का रास्ता है. हर 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 महादेव. और अभी मैंने 3 किलोमीटर का यात्रा कंप्लीट करके पहुंच चुकी हूँ पिसु टॉप के लंगर में एंड इसकी सजावट देखो कितनी खूबसूरती के साथ इतने ऊंचे पहाड़ों पे कर रखा है इन लोगों ने. गाइस लुक एट दिस ब्यूटीफुल कश्मीर. ओएमजी व्हाट अ ब्यूटी.
अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हो तो घोड़े की जगह हेलीकॉप्टर बेस्ट ऑप्शन है। देखो कैसे है भाई साहब, आप साइड में बैठो। कोयला की धुएं से वो ऐसे बन, इसको कहवा बोलते हैं ना। गाइस दिस इज अ कश्मीरी कहवा। आप कहाँ से भैया? मैं रांची, झारखंड। रांची से हो? पहली बार यहाँ आ रहे हो? कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा है ना, मैं भी आ रही हूँ पहली बार। आप अंकल कहाँ से हो? राजगीर जानते हो? राजगीर। हम नालंदा से हैं। आप लोग पहली बार आए हो? हाँ, पहली बार। कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? शादी हुई अभी तक। बोलो हर हर महादेव की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बर्फानी की जय। आप इस तरह का पालकी भी ले सकते हो, बट अगर आप चलने में सक्षम नहीं हो तभी इन सब चीजों से यात्रा करना गाइस। देखो ग्लेशियर है, कैसे जमा पड़ा है देखो ऐसे। ट्रैकिंग और है शेषनाग पहुंचने के लिए। जब मैं ऊपर चढ़ती हूँ ना तो एनर्जी ऐसे जाती लगती है अब खत्म। जब जैसे ही ऊपर से ऐसे जाती हूँ वापस एनर्जी आना स्टार्ट हो जाता है। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये कपूर है जो हम लोग पूजा में आरती में यूज करते हैं और ये सांस हमारे फूलते हैं तब इसको इस तरह से बहुत अच्छा फील होता है, ब्रीदिंग पावर ठीक रहती है। अभी पहुंच चुकी हूं पिसू टॉप के बाद का आई थिंक अगला पड़ाव है या। यहां पे लंगर वगैरह खाने पीने की चीजें साथ ही वॉशरूम वगैरह बना हुआ है। वॉशरूम के हालात बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं है बट इन पहाड़ों में वही मिल रहा है काफी है। हर हर महादेव। बम 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 बोले। बज चुके हैं शाम के एंड अभी भी ढाई से तीन किलोमीटर अभी भी बाकी। मौसम देखो कितना प्यारा हो। ओह माय गॉड। ऊपर में बादल, आसमान, नीचे में नदी, ये बहता हुआ ये झरना, दैट्स व्हाई कश्मीर इज कॉल्ड जन्नत। यह शेषनाग झील, बोला जाता है कि शंकर भगवान ने शेषनाग को यहीं पर छोड़ा था एंड बहुत सारे लोगों को शेषनाग या उनकी परछाई भी यहाँ पे दिख जाती है। शेषनाग का चेक पोस्ट रात के 8 बज रहे हैं, सुबह हम 10 बजे से चलना स्टार्ट किया था, बहुत टाइम लग गया। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:26। दिस इज आवर डे 4 ऑफ अमरनाथ यात्रा एंड रहने के लिए आपको ये सब टेंट ही मिलता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे वॉशरूम साइड में बने हैं, नजारे देखो आप। साथ ही शेषनाग में आपको बहुत सारे शॉप दिखेंगे जहाँ पर ठंडे के कपड़े मिल रहे होते हैं। फिर मैं आ गई यहाँ के भंडारे में जहाँ पर मैंने चाय पिया, पोहा खाया एंड खाने में इडली पराठे चने की सब्जी खाई और निकल गई आगे की यात्रा के लिए। मेक श्योर कि आपके पास एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी के जूते होना चाहिए जो स्लिप नहीं करता हो, क्योंकि आपको कहीं पे बर्फ कहीं पर कीचड़ से होकर गुजरना होता है। ग्लेशियर के बीच होते हुए रास्ता बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा डेंजर है, स्लिप हो करता है। ऐसा लग रहा है महादेव के पास स्वर्ग के रास्ते होते हुए जा रहे हैं, लेकिन उतना ही डर लग रहा है गिरने का। हर हर बम बम भोले। बट इजी ट्रैक गाइस, बहुत हार्ड है। अभी जो सेकंड डे का ट्रैक है शेषनाग से पंचतरणी के लिए, उसमें से बहुत चढ़ाई है। अब एक घंटे में आधा किलोमीटर भी चलना मुश्किल हो रहा है और ऑक्सीजन की जो लेवल है वो बहुत कम है। ब्रीदिंग करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप शेषनाग से आगे की यात्रा कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ लोग पंचतरणी तक ही एक दिन में यात्रा कर पाते हैं, बिकॉज यहाँ से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है जिसमें आपको 8 से 10 घंटे लग जाएंगे ऑलमोस्ट। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको इसी जन्नत में आना है, महादेव के दर्शन करने हैं, अपने एनर्जी को बढ़ाओ एंड अमरनाथ यात्रा पे आ जाओ।
भंडारे में आपको फ्रूट सैलेड भी मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे कुछ चिप्स एंड चने एंजॉय कर रही हूँ इस खूबसूरत व्यू के साथ। गाइस यहाँ नीचे वाले स्टॉप से खाना वाना खा के अब जा रहे हैं नेक्स्ट स्टॉप पे, जो है गणेश स्टॉप। यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर बता रहे हैं। ये प्रकृति के खूबसूरत नजारे देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने पेंटिंग कर रखी है एंड हम लोग उसके सामने खड़े हैं। गणेश टॉप पहुंच चुकी हूँ। 1 किलोमीटर का यह रास्ता है, ऑलमोस्ट 1 घंटे 1.25 घंटे लग गए मुझे यहाँ तक पहुँचने में। देखो इतनी खूबसूरत रास्ते पे कैसे लोग खाकर रैपर फेंक देते हैं, तो प्लीज ऐसा मत किया कर, क्योंकि आप इसी रास्ते से चलकर भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हो, तो जो कुदरत ने यह जगह बनाया उसे साफ सुथरा ही रखो। और अभी मैं यात्रा को थोड़ा विराम देकर यहाँ पर इस खूबसूरत वादी को, प्रकृति के नजारों को दिल खोल कर महसूस कर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। गाइस यहाँ से 9 किलोमीटर और रह गया है पंचतल, बैठी हूँ थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, और यहाँ पे मैं खा रही हूँ चॉकलेट एनर्जी लेने के लिए। थैंक यू सर। थोड़ा उधर भी स्लिप करेगा, आराम से। पूरे रास्ते आपको आर्मी की फोर्स हेल्प करते हुए नजर आएंगे, तो एज ए इंडियन बहुत ही प्राउड फील होता है। ऐसे। अभी आपको रास्ते में ऐसे भी मोड़ आएंगे जहाँ पर आपको रस्सी की हेल्प लेते हुए नीचे की ओर उतरना। कहाँ पहुँची हूँ, कितना आगे पहुँची है तो पता नहीं, बट काफी हद तक नीचे आ गई हूँ। यह जगह है पौष पौत्री। यहाँ के भंडारे में इतनी तरह के डिशेस थी, आप भी देखोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। यहाँ पर अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, चॉकलेट थे 15 से 20 रंग की। इतने सारे खाने की वैरायटी भंडारे में आपको मिल जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी नहीं लगता है। तो यह महादेव की कृपा है कि ऐसे लोग भंडारे में आते हैं और लाखों लोगों को जब तक यात्रा चलता है फ्री सेवा देते हैं। और फिर मुझे यह दिखा, आई लव महादेव। और सामने में है यह हमारा लहराता फहराता तिरंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। रास्ते में इतने अच्छे फ्लावर देखकर मैं यहीं पर प्रकृति के गोद में थोड़ी देर के लिए सो गई। टर्नी से जस्ट पहले गाइस यहाँ पे लंगर है। यहाँ पर भंडारा आया, कुछ टेंट वेंट नजर आए तो मुझे लगा पहुंच गई, बट यहाँ के बाद आपको नीचे नदी में उतरना होगा, यानी इस नदी को क्रॉस करने के बाद है पंचतरणी बेस कैंप। शाम के 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, फाइनली पहुंच गई पंचतरणी चेक पोस्ट कैंप। गुड मॉर्निंग एंड दिस इज आवर डे 5 ऑफ अमरनाथ यात्रा। यह है पंचतरणी बेस कैंप और यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है पवित्र गुफा। यहाँ से आपको घोड़े खच्चर पालकी मिल जाते हैं। आपकी लोकल हम लोग आगे आए होंगे, लेगी हर हर महादेव, हर हर महादेव। पंचतरणी बेस कैंप से आप जैसे ही आगे बढ़ोगे कुछ किलोमीटर तक सिर्फ खड़ी चढ़ाई है। रास्ते नो डाउट बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ नदी हरियाली झरने सब कुछ आपको एक ही रास्ते में देखने को मिल जाएगा। आज यात्रा का लास्ट डे था
और फाइनली आज बाबा बर्फानी का दर्शन मैं करने वाली थी। एक्साइटमेंट में था बट एनर्जी भी थोड़ी डाउन हो रखी थी क्योंकि मैंने पैदल यात्रा ही पूरा कंप्लीट किया है। जय श्री राम। देखो रास्ते कितने खूबसूरत हैं, बिल्कुल ग्लेशियर के बीच से होते हुए बर्फानी बाबा के पास पहुंच रहे हैं। यह है संगम टॉप, यहीं से बलटाल का रास्ता डाइवर्ट होता है। बलटाल से भी लोग आकर यहीं पर मिलते हैं, पहलगाम वाले रास्ते से भी आते हैं तो यहीं पर मिलते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नदी है तो यहाँ पर लोग स्नान करते हैं एंड फिर जाकर गुफा में बर्फानी बाबा के दर्शन करते हैं। कुछ ही कदमों की दूरी पे हमारे बर्फानी बाबा रह गए हैं। यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है बट खाने के लिए आपको यहाँ पर भंडारे अवेलेबल। यहाँ से आगे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, वो रहा पीछे में गुफा, वहाँ पे हमारे बाबा बर्फानी बैठे हैं, तो चलते हैं अंदर जल्दी से दर्शन करते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए बट उससे पहले आप सब बाबा बर्फानी के दर्शन कर लो। यह रहा पवित्र गुफा, आप सब अपनी विशेष मांग लो, बाबा बर्फानी आप सबकी मनोकामना पूरी करेंगे और जल्द से जल्द आप सभी को अपने पास जरूर बुलाएंगे। सो गाइस मेरे दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही जल्दी दर्शन हो गए हैं, अच्छे से दर्शन हुए हैं।